स्वागतमस्ति सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। नमस्कारः, अहम् अस्मि नारायण दत्त मिश्रः। तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का, जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। बढ़ते हैं अगली संख्या अर्थात आठ की ओर। आठ की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं आठवां या आठवीं। आठ को संस्कृत में कहते हैं अष्ट, और जब आठवां या आठवीं कहना हो तब हम कहेंगे अष्टमः और अष्टमी। यानी पुल्लिंग में जब कहना हो तब कहेंगे अष्टमः बालकः, जिसका अर्थ है आठवां लड़का। वैसे ही अष्टमः लेखकः अर्थात आठवां लेखक, और स्त्रीलिंग में अष्टमी बालिका अर्थात आठवीं लड़की, और ऐसे ही अष्टमी लेखिका अर्थात आठवीं लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे अष्टमं भवनम अर्थात आठवां भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही अष्टमं उद्यानम अर्थात आठवां बगीचा। अब बढ़ते हैं आगे संख्या नौ की ओर। इस संख्या के पूर्णार्थक शब्द हैं नौवां और नौवीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे नवमः और नवमी। यानी पुल्लिंग में नवमः बालकः अर्थात नौवां लड़का, वैसे ही नवमः लेखकः अर्थात नौवां लेखक, तथा स्त्रीलिंग में नवमी बालिका अर्थात नौवीं लड़की, और ऐसे ही एक और उदाहरण नवमी लेखिका अर्थात नौवीं लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में हम कहेंगे नवमं भवनम अर्थात नौवां भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही नवमं उद्यानम नौवां बगीचा। और अब आज की हमारी अंतिम संख्या है 10, जिसे संस्कृत में कहते हैं दश। तो देखा आपने कितनी समानता है इन दोनों शब्दों में, हिंदी में 10 और संस्कृत में दश। तो चलिए अब जान लेते हैं संख्या 10 की पूर्णार्थकता को बताने वाले शब्दों के बारे में। 10, इस संख्या के पूर्णार्थक शब्द हैं दसवां और दसवीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे दशमः और दशमी। यानी पुल्लिंग में दशमः बालकः, जिसका अर्थ है दसवां लड़का, वैसे ही दशमः लेखकः अर्थात दसवां लेखक, तथा स्त्रीलिंग में दशमी बालिका अर्थात दसवीं लड़की, और ऐसे ही एक और उदाहरण दशमी लेखिका अर्थात दसवीं लेखिका। एक और प्रसिद्ध उदाहरण ले लेते हैं, विजया दशमी। जी हाँ, विजय देने वाली या विजय को समर्पित दसवीं या दशमी तिथि। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे दशमं भवनम अर्थात दसवां भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही दशमं उद्यानम अर्थात दसवां बगीचा। तो आज आपने किया विशेष अभ्यास साधारण संस्कृत शब्दों और इन संख्याओं की पूर्णार्थकता को बताने वाले विशेष संस्कृत शब्दों के साथ। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः। जिनके सपनों का रंग अलग है, जो अपनी दुनिया